सुबह का टाइम बाजार है, ना लगभग लगभग भी थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट लेट होगी। और अभी कम से कम आधा किलोमीटर दूरी होगा। हाँ आधे तो शायद हो सकते, चल के देखते हैं। थोड़ी चढ़ाई तो है, मार्केट है ये सब। भाई हम लोग तो होटल में अच्छे से रुके और ये जगह जगह LCD भी लगे हुए माता के। और हम लोगों ने फटाफट नहाया धोया और हम लोग निकल चुके। अब प्रसाद है इसमें और अलग से बाकी प्रसाद आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और यहाँ तो 20 रुपए का भी प्रसाद है जैसे ये वाला। और जो चढ़ाया जाता है ये नारियल चुन्नी है का, ये सब चलते हैं देखते हैं। हम लोग तो रात को तो अपना रुके होटल में, सुबह फटाफट नहाए धोए और उसके बाद हम लोग चले हैं। बाकी जो हमारी जो लोग थे वो लोग भी वही तैयार हो रहे थे। हम लोग तो फटाफट नहाए धोए और हम लोग चल दिए माता के दर्शन के लिए। तो खाली खाली नहीं दिखाई दे रहा है। चलो अंकल जी कहाँ गए? और अब हम लोगों ने अपने जो नई सीरीज चालू करी है अमरनाथ की यात्रा वाली, और हमने इसके नाम रखा है, नया नाम रखा है 50+ ब्लॉगर। क्यों हम आप लोग को बताएंगे अपने अनुभव के अनुसार कि भाई 50 साल के बाद कैसी हालत होती है, कैसी हालत होती है, क्या क्या चीज लेके चलना चाहिए, क्या क्या नहीं। पैदल जवान बच्चे तो जवान ही होता है ना। चल चलो भाई, पहली पूजा तो हमारी यहाँ पे भी, शंकर भगवान के दर्शन हुए। अमरनाथ की यात्रा से पहले हमने तसल्ली से जल चढ़ा लिए। लो पानी भर के रख देना, जल खाली नहीं रखते। ये माता रानी के मेहो के दरबार है, इसकी सीढ़ी है। यहाँ ये माता रानी के चरण पादुका बना रखी है। और भाई ये देखो भाई लोगों, मेन बात है मैं हूँ और किरण है, मगर ये ना सबकी अपनी टांग है चढ़ने का, सबकी अपनी। 50 साल के बाद ये देखो कैसे बच्चे भागे भागे आ रहे हैं। हमें तो एक एक डंडा पकड़ के चलना पड़ता है सुबह से। खा लिया
हाँ ठीक है। ये है हवन कुंड, नीलखंड महादेव, और ऊपर भी काफ़ी मंदिर है, लाल शिवालय और गोरक्षा डिब्बा डिब्बी, और वो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है तारा देवी का मंदिर, वो ध्वज और ये मंदिर माँ शैया भवन, और ये भक्त लोग अपने सुबह सुबह माता का ध्यान लगाते हैं। और अभी हम लोग ये वाले इस आएंगे, मेन गेट से आएंगे यहाँ से, और ओ भाई ये किरण तो भागे भागे जा रही, ये तो भाई मेन गेट से 8 साल छोटी है, ये तो भाई भाग ही सकती है। लाइन है किरण, ये गली बना रखा है, अच्छा यही नहीं है। बाबा गोरखनाथ जी का मंदिर के बाहर आ चुके हैं, और ज्वाला जी माता का दर्शन में बहुत अच्छी तरह से किया, वहाँ भी भीड़ कम थी इसलिए दर्शन भी अच्छी तरीके से हो गए, और हमने सब अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माता से आग्रह किया, और देखते हैं माता रानी की कृपा हमारे पास हमेशा बनी रहे, और हम सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें माता रानी, यही हमारी श्रद्धा है भगवान जी से।
सारी दुकानें अब खुल गई हैं। हाँ सारी दुकानें भाई अब हम आए थे 8 बजे तो बंद थी, साथ वाले थे वो भी लोग आ रहेंगे, बाबा जी भी आ गए आए रे हमारे जो बस वाले। सुंदर सुंदर दिखाने हम लोग ये होटल बावा में रुके हैं और यहाँ पे खाना भी बहुत अच्छा है, रात को भी हमने खाना खाया, बहुत सिंपल और सादा खाना। और यहीं पे हम लोग जो 100 लोग थे इनका स्टे था, बहुत अच्छे से हमने दर्शन करके आगे। और इन्होंने सुबह से ब्रेकफास्ट में भाई आलू का परोठा और छोले दिए, रात को भी खाया था हमने, रात को बहुत अच्छा खाना था भाई। होटल वाले ने हमारे साथ हम लोग का चार्ज लिया और भाई किरण मैडम खा दी, बताओ कैसे है किरण प्रोफ, ठीक है? और हमारे पेट नाश्ता दे रही, एक परोठा दो परोठा जितना आप खा सकते हो। और ये हमारी यात्रीगण सब निकल चुके हैं अपनी बस की तरफ, मजा आ रहे हैं मैडम। 50+ ब्लॉगर 60+ में चालू कर दे क्या होता है, 60+ में तो चल नहीं पाते ना, 50+ है तो ठीक है। और यहाँ से हैगा ऊना 82 चिंतपूर्णा 34 धर्मशाला एक्स्ट्रा। हेडिंग 23 किलोमीटर और अलग अलग जगह का अलग अलग किलोमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है। और कुछ भी यात्रीगण वगैरह आते हुए वहाँ से ज्वाला जी माता के दर्शन करने के लिए ये लोग भाई हमारे यात्रीगण साथी, इनके बड़े बड़े बैग है अपने हम गाड़ी के नीचे रखेंगे और एक एक छोटा बैग लेकर हम लोग अपने साथ, जो मेन जिसमें पैसा है वो कागज़ है। और ये अभी हम लोग आ गए हैं ज्वाला जी प्राइवेट बसों की पार्किंग में। और ये देखिए ये जो हमारी बस ब्लू कलर की 3785 है ये खड़ी है, और ये जो दूसरी बस है 2508। और यहाँ से अब हम लोग आगे का सफ़र तय करेंगे, अब हमारी सवारी आ रही है, सब बैठ रही है। और यहाँ से आप देखते हैं कि हम लोग कब पहुँचेंगे बाबा अमरनाथ, जय भोले की। चलिए भाई लोग अब हम भी अपनी बस में अपनी सीट ग्रहण करें और बाबा अमरनाथ के दर्शन के बोल जय बाबा अमरनाथ की जय।